नमस्कार, मैं हूं दुर्वेद और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। माँ छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर को खुलवाने की मांग को लेकर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवा भाजपा नेता राजू जसवाल अपने समर्थकों के साथ आज पद यात्रा कर रहे हैं। सुबह के ही समय से माँ छिन्नमस्तिका के दरबार से मत्था टेक कर यह पद यात्रा की शुरुआत हुई है और यह पद यात्रा रांची के राजभवन तक चलेगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो भाजपा के जो समर्थक है, राजू जसवाल के जो समर्थक हैं, मंदिर के पुजारी, मंदिर के दुकानदार, वो सभी लोग इस पद यात्रा में शामिल है और यह पद यात्रा माँ छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर से निकलकर रांची के राजभवन तक यह तय करेंगे। लगभग 80 किलोमीटर का यह पदयात्रा है और इसमें माँ छिन्नमस्तिका मंदिर को खुलवाने की मांग की जा रही है। यहाँ पर लगातार जो भाजपा के युवा नेता हैं राजू जसवाल, वो अपने आंदोलन के स्वरूप पिछले कई दिनों से मंदिर को खुलवाने की मांग कर रहे हैं। सीधे जुड़ते हैं राजू जसवाल से और उनसे बात करते हैं कि आखिर इस पदयात्रा का उद्देश्य क्या है और यह कहाँ तक यह पदयात्रा तय करेंगे। यहाँ पर राजू जी, यह पदयात्रा निकली है, क्या मांगे हैं इसमें? देखिए, हम लोग का मांग है कि पिछले कई माह से जगत जननी माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर बंद है। कोविड के कारण सरकार ने मंदिर को बंद करके रखा है, तो हम सरकार से मांग करते हैं और ये इस मांग को हम लोग लगातार जो है चरणबद्ध कर रहे हैं। इससे पूर्व भी हम लोगों ने उपवास के माध्यम से और कई अन्य माध्यम से सरकार से हम लोगों ने मांग किया कि सरकार माता छिन्नमस्तिका का मंदिर खोले। चूँकि सरकार ने यहाँ एक और जो है कि सारी गतिविधियों को जारी रखा है, आप देख रहे हैं कि सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, बियर बार खुले हुए हैं, जिम खुले हुए हैं, पार्क खुले हुए हैं, सारी गतिविधियां सरकार की चल रही है, लेकिन सिर्फ माता का मंदिर बंद करना यह सरकार की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है और यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हमारा सावन माह जो है, सावन माह पवित्र महीना होता है हम लोगों का, और जो सावन पवित्र माह में जो है सरकार के द्वारा मंदिर को बंद करना, इससे श्रद्धालु और हमारे समाज में काफ़ी आक्रोश है। जहां एक और इसका दूसरा पहलू भी है कि माता छिन्नमस्तिका के मंदिर से लगभग 10,000 लोगों की रोजी रोटी चलती है। वहां के पंडा समाज, वहां के दुकानदार, वहां के नाई, वहां के नाविक, वहां के मल्ला और मंदिर से जुड़े हुए अन्य लोग, जिनकी रोजी रोटी भी वहाँ से चलती है। तो दो पहलू है, एक हमारा श्रद्धा भाव है, एक हमारा भक्ति भाव है, एक हमारा समर्पण भाव है, एक हमारी आस्था का विषय है, और दूसरी ओर सैकड़ों और हजारों की संख्या में रोजगार भी जुड़े हुए हैं। अच्छा यह पदयात्रा कहाँ से निकल कर और कहाँ? आज हम लोग विवश होकर सरकार के विभिन्न माध्यमों से हमने आग्रह किया कि सरकार जो है कि त्वरित जो है कार्रवाई करे, संज्ञान ले और माता का मंदिर एक कोविड का गाइडलाइन बना के, प्रोटोकॉल बना के सरकार को जो है खोले। लेकिन सरकार जब नहीं सुनी, हम लोग विवश होकर आज जो है माता छिन्नमस्तिका का मंदिर रजरप्पा से पद यात्रा कर कल हम लोग रांची राजभवन पहुंचेंगे। लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा है, 80 किलोमीटर की यात्रा दो दिन में तय करेंगे और कल महामहिम राज्यपाल से हम लोग मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि सरकार जो है इस सावन का जो पावन माह है, सावन का जो पवित्र महीना है, इसमें जो है तत्काल सरकार मंदिर खोले। और अगर बोले 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 और अगर इसके बाद भी सरकार नहीं खोलती है तो यह आंदोलन हमारा चरणबद्ध चलता रहेगा, ये लगातार चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा कि जब तक माता छिन्नमस्तिका का मंदिर नहीं खुले। अच्छा, चूंकि भाजपा का ही आंदोलन है तो भाजपा के अलावा और कौन कौन लोग इस आंदोलन में? देखिए, यह जो है विशुद्ध रूप से हमारी धार्मिक आस्था का विषय, यह हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह हमारी आस्था का विषय है, यह हमारा धर्म का संबंध है, तो इसे हम राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते हैं। हम सभी जो समाज के लोग, सभी लोग, सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग, एक राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर इस आंदोलन को हम लोग कर रहे हैं और जो है आम जनता का, आम लोगों का इसमें हमें समर्थन मिल रहा है। तो अभी आप सुन रहे हैं यहाँ पर राजीव जसवाल की बातें यहाँ पर कि यह आस्था का विषय है और यहाँ पर भाजपा के अलावा जो आम लोग हैं या दुकानदार हैं उन सभी का इस आंदोलन में समर्थन मिल रहा है। क्योंकि आज यह जो पदयात्रा है, वो पदयात्रा माँ छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर के दरबार से निकल कर राजभवन रांची की ओर प्रस्थान करेगी और कल वहाँ पर राजभवन पहुँच कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपी जाएगी कि माँ छिन्नमस्तिका का दरबार जल्द से जल्द खोला जाए। चूँकि सावन का महीना है, भक्तों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। लगातार .in के लिए मैं रामगढ़ से दुर्वेद। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
बने रहे लगातार.in के साथ।